subscribe to our channel Awaaz TV and press the bell icon for updates. नाज़रीन प्रोग्राम आखिरी छाकज में आऊँ तो मेज़बान अली रज़ा मंगी तुम जारो हाजिर आया। कोरोना वायरस सूरत हाल ढीों ढी संगीन थी वे पी हाकारी केसन की शरह वधंदी वे पी खास तौर से कराची और हैदराबाद में जो केस ढीों ढी वधीक रिकॉर्ड किया वन पधिक रिपोर्ट थियन पाया। जैसे अज अस पूरे पाकिस्तान की गाल क्यों तो 3582 नवा केस रिपोर्ट थे केसन के हाकारी अचान की शरह 7.19 सैकड़ो थी वही है। कराची का हैदराबाद में भी सूरत हाल संगीन थी वे पी हैदराबाद में भी जे केसन जो हाकारी अचण है वो 10 का 11 का हाँ 18 सैकड़ो तीन वह शरह पहुंची वही है। 102 नवा केस रिपोर्ट थे SOPs से अमल जण तो सवाल या निशान बणजी वो है। मुख्तलिफ़ शहर में मालपड़ियों भी लगाई वन पुं जिले इंतजामिया की सरपरस्ती में जिले इंतजामिया की इजाज़त से उ मालपड़ियों लगाई वन थ बो पासो जो पा दूँ तो इन सिंध में जुज़वी लॉकडाउन से सियासत भी कई वे पी। हलीम आदिल शेख, खुरम शेर जमा, फवाद चौधरी समेत मुख्तलिफ़ जे भी PTI जहा अगवान वफाकी वजीर या सिंध जहाँ अगवान PTI जहाँ उ सिंध हुकूमत के इन फैसले से तनकीद कन पाया। मुर्तज़ा वहाब प्रेस कॉन्फ्रेंस कई है। इन वक्त जो वफाकी वजीर है सुषमा बाबत फवाद चौधरी उन भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कई है। वो चवे तो सिंध हुकूमत के पांजी कारकर्दगी बेहतर करण घुर्जे। हैदराबाद और कराची में कोरोना वैक्सीनेशन जो अमल जो है वो पुठते पल है। ये सारी सूरत हाल है तो आखिर इन मामले ते जो सेहत जो मामलो है आम मानू की सेहत जो मामलो है उनते सियासत छो कई पी वे। सीनियर सहाफियन इस्लामाबाद में ब्यूरो चीफ आवाज़ न्यूज़ असा गडन कुर्बान बलोच साहब असा टेलीफोन लाइन से गडन। कुर्बान साहब प्रोग्राम में भलीकार चवा तो जी मेहरबानी। कुर्बान साहब कें पाया ऐसो सूरत हाल जडे त NCOC भी सख्तियों कई NCOC भी पैं सख्त में वाधारो किया है उनको ऐलान किया है। बे पास सिंध में जो जुज़वी लॉकडाउन है उनते तनकीद कई वे पी। व्यापारियों से PTI जहा अगवान मिलन पाया उजहार हमदर्दी पाया कन वज़ीर आज़म तरफा उन्होंने जन से पैगाम भी दियन पाया। कड़ो माहौल जोड़ो पे वे इन आम मानू की सेहत वे मामले से कें पाया सूरत हाल के फवाद चौधरी जी। बिल्कुल समझा तो सिंध में जुज़वी लॉकडाउन जो सबब ही यो है तो सियासी जो छिकताण है वफाकी हुकूमत में सिंध हुकूमत में ही उन्हें जो नतीजो है यकीनी तौर से जे मनफी असर पवंदा सजे सूबे के मानून से उनकी सेहत से उनकी जिंदगी से। याद हों जै कोरोना की पहली लहर आई तो तदें भी वफाकी हुकूमत या हुकूमरान जमात PTI उनके इतिहादिन सिंध हुकूमत में एक छिकताण वाली सूरत हाल रही हुई। वफाकी हुकूमत पॉलिसी दी सिंध हुकूमत की पहली पॉलिसी रही यो सिलसिलो अना भी जारी है। हाँ चौथी लहर जारी है वह शदीद है नुकसान थे पो कोरोना केसेस सामू अचन पाया पर उनके बावजूद असू सियासी जमातू हुकुमरान जमातू वो कुछ सीखने लाए तैयार को हिंसर भी सियासत कन प्यू इनके कर ही सिंध में जुज़वी लॉकडाउन की सूरत हाल थी है उते अमल दरामद न पो थे वफाकी कानून नाफिज कदर जो इदारा मुख्य महसूस थे तो वह सिंध हुकूमत से इन हवाले से SOPs से अमल दरामद हो लॉकडाउन के हवाले से वह अमल जो मदद न प्यू कन मददगार ना कें सबब सिंध हुकूमत के पुलिस के वधिक इख्तियार देना पाया यो समूरो जो अमल है तो इनको सबब यो है तो सियासी छिकताण सियासत कई पी वे समूर मामलों से वो रोजगार जो मामलो हो मुल्क में मीशत जो मामलो हो हाँ तो मानून की जिंदगी से भी सियासत कई पी वे जहाँ बदकिस्मत वाली गाल है जो नुकसान यकीनी तौर से मानून के मुल्क की मीशत के अगते हली इन जो असर आलमी सतह से वो कोरोना की सूरत हाल पाकिस्तान में गंभीर थे थी यो पॉसिबल है इम्कान है तो सजी समूरी दुनिया पाकिस्तान से रबता मुनकता करे जो खतरनाक अमल थी सके तो सही। अच्छा कुर्बान साहब पान जी पैरी लहर का वठी अज चौथी लहर हले पई पान दिठो सी तो जो वफाक जो सूबे जो कोऑर्डिनेशन है वो जण तो बस
इख़्तिलाफ़ वारो ई आहे, तनक़ीद वारो आहे। आम माण्हू जी सिहत खे प्रायोरिटी कोन पई ॾिनी वञे ऐं आम माण्हू जी सिहत ते सियासत थिए पई। कीअं था ॾिसो सूरत हाल, जेकॾहिं इहा साॻी सूरत हाल रही, छाकाणि त मुर्तज़ा वहाब बि अॼु चयो आहे त जेकॾहिं सख़्तियूं न कयूं हा त उहे साॻा ई वफ़ाक़ी वज़ीर चवनि हा त सिंध हुकूमत कमु न पई करे ऐं हीअ जेका सूरत हाल आहे ज़ाब्ते मां ॿाहिरि निकिरी वई आहे। जी बिल्कुल, मां सम्झा थो जेका हीअ सूरत हाल रहे थी त हुनजो ही कोरोना जेका वबा पखिड़िजे पई। हाणे त NCOC तरफ़ां बि इहो एतिराज़ कयो थो वञे त सिंध में सूरत हाल ख़राबु आहे ऐं समूरे पाकिस्तान में हाणे केसिस वधनि पिया। लाहौर में, पंजाब जे ॿियनि शहरनि में लॉकडाउन आहे, पर जुज़वी लॉकडाउन कयो वञे थो या पार्ट्स में लॉकडाउन कयो वञे थो। ऐं इहा वफ़ाक जी शुरू खां इहा पॉलिसी रही आहे। सिंध जे हवाले सां बि हिननि जो मौक़ुफ़ इहो ई रहियो, पर मुंहिंजे ख़्याल में सिंध में जेका कराची जी सूरत हाल आहे उहा इंतिहाई ख़राबु आहे। तंहिं करे उते सख़्तु लॉकडाउन जी ज़रूरत हुई, पर वफ़ाक जेके सियासी जमातूं आहिनि उहे उन्हनि जी जेका पॉलिसी में जेका झोल आहिनि उन्हनि जे सबबु मसाला पैदा थियनि था। तव्हांखे यादि हूंदो त पहिरीं लहर में सिंध हुकूमत लॉकडाउन कयो, उन सां गॾोगॾु माण्हुनि खे राशन ॾिनो वियो, उन्हनि खे कुझु सहूलियत ॾिनी वई मुआशी, तंहिं करे माण्हू सस्टेन करे सघिया। पर हाणे जेकॾहिं ॾिसजे त चोथी लहर आहे ऐं गुज़िरियल टिनि लहरनि में माण्हू मुतासिर थिया आहिनि, त हाणे इहा चोथी लहर जेकॾहिं तव्हां सख़्तु लॉकडाउन कयो था ऐं माण्हुनि जी आवाम जी जेका मुआशी तव्हां मदद नथा कयो, त ज़ाहिर आहे उन सां मसाला पैदा थींदा। या त पहिरियां खां इहो न करणु खपंदो, माण्हुनि खे पहिरियां खां न हैराइणु खपंदो हो ऐं उहो पंहिंजे वसीला पाण पैदा कंदा, पर जॾहिं तव्हां शुरू में अहिड़ो अमल कयो त हाणे वरी ॿीहर तव्हां इनखे तव्हां इन पॉलिसी खे ॾिसणो पवंदो ऐं वफ़ाक सां गॾु वेही करे इन मामले खे हल करणो पवंदो। छो त वबा पंहिंजी जाइ ते बि ख़तरनाक आहे, पर बुख बेरोज़गारी बि मुल्क में इंतिहाई ख़तरे वारी सूरत हाल में आहे। छो त बेरोज़गारी वधी आहे कोरोना जे करे ऐं किरोड़े माण्हू माना गुरबत वारी लकीर खां हेठि अची विया आहिनि। सही, बिल्कुलु सही था चओ, वॾी महिरबानी क़ुर्बान साहबु। नाज़रीन, बिल्कुलु हक़ीक़त आहे त कोरोना वायरस सूरत हाल जे करे, वबाई सूरत हाल जे करे पूरे मुल्क में बेरोज़गारी बि वधी आहे ऐं गुरबत जो जेको रेशो आहे उहो बि माज़ी जी भेट खां वधियो आहे। जिनाज़रीन, कराचीअ खां पोइ हैदराबाद में बि जेके केसनि जी हाकारी अचण जी शरह आहे उहा वधंदी वञे पई ऐं अॼु जेका रिपोर्ट थी आहे उन मुताबिक़ 10 खां 18% ताईं हाकारी केसनि जी शरह वधी वई आहे। हैदराबाद में ख़ासि तौर ते लतीफ़ाबाद वारे इलाइक़े में SOPs ते अमल नथो थिए। मुख़्तलिफ़ इलाइक़ा आहिनि जिते SOPs ते अमल थिए थो, किथे SOPs ते अमल नथो थिए। हैदराबाद में छा सूरत हाल आहे, वैक्सीनेशन जो अमल कीअं पियो हले? हैदराबाद मां DHO हैदराबाद डॉक्टर लाला जाफ़र सां राबितो कयो आहे। डॉक्टर साहिबु, प्रोग्राम में भलीकार चवां थो। महिरबानी साईं, महिरबानी। डॉक्टर साहिबु, छा सूरत हाल आहे, कहिड़ा कारण आहिनि जो हैदराबाद में हिकु भेरो ॿीहर जेके हाकारी केसनि जी शरह उहा वधी वई आहे? साईं, ॿ रीज़न आहिनि। हिकिड़ा त उहे माण्हू जेके वैक्सीन नथा आणाइनि उन्हनि जे करे इन जी हाकारी वधी आहे। ॿियो त जेके SOPs ते अमल नथा कनि, पर आउं सम्झां थो त जहिड़े नमूने लॉकडाउन लॻो आहे, कुझु हुन ते अमल थियणु लॻो आहे, त कुझु घटिताई ईंदी इनशाला। ऐं वैक्सीनेशन ड्राइव बि जेका आहे वधी वई आहे असां वटि हैदराबाद में। असीं तक़रीबन 4.25 लख माण्हुनि खे हेसिताईं वैक्सीनेशन फर्स्ट ऐं सेकेंड डोज़ ॾेई चुका आहियूं। उमेदु रखूं था त जहिड़े नमूने रश आहे उन में जेको आहे इहा हाकारी ड्राइव जेका आहे थी त इनशाला इन में घटिताई अची वेंदी। अच्छा डॉक्टर साहब, आम माण्हू जेको आहे उहो चोथी लहर आहे, आम माण्हू हिन वक़्त ताईं SOPs ते अमल करण जे लाइ तयारु कोन्हे को। कुझु माण्हू कनि था पर 100% अमल न पियो थिए। साईं बिल्कुलु ईअं आहे, छो त ॾिसो सॼी रियासत जी ज़िमेवारी न आहे। अहिड़ी वबा जे अंदरि माण्हू जी पंहिंजी बि हिकिड़ी ज़िमेवारी आहे। हाणे त इहा कोरोना जी SOPs ऐं वैक्सीनेशन जेका एॾी आम जाम आहे त माण्हू खे ख़्यालु करणो पवंदो। अगरि न थींदो त पोइ डेल्टा वायरस, छाकाणि जो असां वटि हेसिताईं हैदराबाद में को बि डेल्टा वायरस जो कंक्लूडेड केस न आहे। पर छा आहे त अगरि असां ईअं ई रखियोसीं ऐं पंहिंजी मनमानी कईसीं ऐं SOPs जो ख़्यालु न रखियोसीं त पोइ जीअं जीअं वाद अचे पई हिन खां वधीक बि थी सघे थी पई। अच्छा डॉक्टर साहिबु, हैदराबाद में रोज़ानो केतिरियूं टेस्टूं कयूं वञनि थियूं ऐं उन मां केतिरा माण्हू जेके आहिनि उहे वायरस जो शिकार थियनि था? अलाह जो शुक्र आहे त हैदराबाद जेको आहे तमामु डिस्ट्रिक्ट में सभिनि खां वधीक टेस्टिंग करण वारो डिस्ट्रिक्ट आहे। रोज़ानो असांजो 1200-1300 टेस्टूं थियनि थियूं पयूं ऐं उन मां जेको आहे तक़रीबन 10-11% तक़रीबन पॉज़िटिव अचे थो। पर हाणे कलोको जेको टेस्ट थिया आहिनि उनमें थोरो वाधि आई आहे, 18% आहे।
अज ऐसो पव चुकान की आबाद अगर टे चार ढीह लागी थी रही तो चई सूं था तो क्यूमुलेटिव एतरी है पर पो जी हफ्तों है उनमें दह नव दह यार बारह परसेंट तक है वह वाध आई है सो इन यो वह अस टे परसेंट हुई हाँ जी एतरी वी है तो अगर एसओपी जो ख्याल न रखो वो वैक्सीनेशन जल्द अज जल्द न कराई वी तो इनमें बात अची सके थी। डॉक्टर साहब दह या यारह सैकड़ों में सीधो सौ अरह सैकड़ों से पहुंचण ये तो खतरनाक सूरत हाल है खतरनाक हद तई जहाँ सूरत हाल है हैदराबाद की वे पी जी जी बिल्कुल है इन लाइ तमाम किसी का कदम खड़ूँ पा वैक्सीन की ड्राइव घर घर हलूँ पा टेस्टिंग क्यों पा मानन के जो मुतला क्यों पा बैनर्स हणूँ पा मानन के किटिन किटिन मस्जिद में ऐलान करूँ पा हाँ इंशाला रियासत भी सख्ती उनका पेश ही उम्मीद रखूँ था तो सुे पर इन में घटाई ही छोड़ी अगर बात अचे थी तो टेक्निकली यो ही है तो असें अना भी उन मेहनत करनी पवी। अच्छा डॉक्टर साहब इंतजामी जिम्मेवारी होजन सा गडो गड तिबी माहिर भायो किए पे दिसो इन वक्त जो सिंध में कोरोना के नजर में रखंदे जो जुज़वी लॉकडाउन लगाया वो है उन तनकीद थे पई छा समझो तो ये फैसलो किया है यकीनी तौर पर जो आम मानू है वो मुतासर थे तो जो दिहाड़ीदार तबको है वो मुतासर थे तो रोजगार के असर पवे तो पर इन वक्त जो वबाई सूरत हाल है उनके नजर में रखंदे ही जो फैसलो है वो कि आम मानू जो है वो एसओपीस से अमल न पो करे इन हवाले से तुम चवण है मंग साहब आवाम से शुरू का गड आयो जैसे ये शुरू थे तो मैं कई नशरियात में तुम सा तिबी माहिर के तौर पर अज डीएचओ के तौर पर आया पर असल गाल यही है तो ये बेहतरीन अमल है नो डाउट तो रोजगार जो मसलो थे तो पर वह तदे थो जैसे मानू पान हयात हों तदे बच्चा पां माँ पीन के बच्चन के बचाए सको हिंसर बात आई पे डेल्टा वायरस कराची में जो हालत कई अगर इन लॉकडाउन न लगे मानन के घर न बिहारजे तो मू मिला रहन होटल गड उथन वेहन तो कई मू कि पवना कई मू मरी पवना आऊँ समझा तो बेहतरीन फैसलो है वक्तायदो फैसलो है इन सा बेहतरीन रिजल्ट अगे आंदा मानन के भी यो चवान तो रिक्वेस्ट तो क्या पूरे सिंध के वासन के जिते जिते आवाज वे थी खसूसन हैदराबाद पर एसओपी जो ख्याल कर जल्द अज जल्द पान के वैक्सीनेशन कराओ ए जल्द अज जल्द पूरा वैक्सीनेट कर हर्ड इम्यूनिटी करो जो ही मौतमार है ये पानी रोजाना शिकलू बदले तो पो कहीं अल्फा कहीं बीटा हाँ डेल्टा लेमडा डेल्टा प्लस ये सब अचे पो किथे इं ना अड़ी छुड़वागी इन वायरस के दूँ जो इलाज न थी सके कई हजारे मानन के असि सामू मरदे दिसूं। बिल्कुल बिल्कुल सही था चो डॉक्टर साहब वड़ी मेहरबानी तहांजी नाजरीन एहतियात साईं असा कोरोना वायरस के रोके सकूं था कोरोना वायरस खां पान के बचाए सकूं था प्रोग्राम जारी है वठूं था ब्रेक।